नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूँ हमारे और आपके YouTube चैनल ऑनलाइन प्रोसेस में। दोस्तों, बिहार ITI का यहाँ पर काउंसलिंग होना शुरू हो चुका है। इसका काउंसलिंग होने के लिए यहाँ पर डेट अनाउंस हुआ था कि 10 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त के बीच आप काउंसलिंग करा सकते हैं। यानी आज यहाँ पर 10 अगस्त है तो आज से इसका काउंसलिंग शुरू हो चुका है। कैसे काउंसलिंग करना है, कौन सा कॉलेज चूज करेंगे तो हमें यहाँ पर कॉलेज मिलेगा, ये हम सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर स्टार्टिंग से यानी दोस्तों रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे यहाँ पर आपको अपना ITI के लिए चूज फिलिंग करना है, यहाँ पर काउंसलिंग कैसे करना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसके लिए सबसे जरूरी चीज है आपके पास यहाँ पर जो ITI का रोल नंबर मिला है वो रोल नंबर, क्योंकि दोस्तों रोल नंबर डाल के ही आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना कॉलेज चूज करना पड़ेगा। कॉलेज चूज करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आप कॉलेज को देख लीजिएगा कि किस कॉलेज में यहाँ पर कितना सीट खाली है, यानी कितना सीट के लिए यहाँ पर सीट खाली है हम उस कॉलेज को चूज करेंगे। यहाँ पर एक एस्टिमेट बना लीजिएगा कि हाँ हमें इस कॉलेज को चूज करना है ताकि मेरा यहाँ पर मार्क्स के अनुसार मेरा यहाँ पर कॉलेज मिल जाए। तो आपको यहाँ पर कॉलेज चूज करने से पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतनी है कि यही कि आपको यहाँ पर देख लेना है। देखने के बाद यहाँ पर दोस्तों पूरा कॉलेज चूज करना है, कैसे कॉलेज चूज करना है इसके बारे में पूरी जानकारी दोस्तों हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट या फिर क्वेश्चन होगा तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फाइनली दोस्तों, हम लोग आ चुके अपने पीसी स्क्रीन पर। यहाँ पर हमने ओपन किया है अपना onlineprocess.com। आपको भी ये वेबसाइट ओपन करना है या फिर आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च कर सकते हैं बिहार ITI काउंसलिंग 2022 ऑनलाइन प्रोसेस, तो आपको फर्स्ट पर ये वेबसाइट मिलेगा। इस पर भी आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दोस्तों आपको डायरेक्ट इस वेबसाइट पर बुला देता हूँ। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट वाले में बिहार ITI काउंसलिंग 2022 इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पोस्ट ओपन होगा। नीचे स्क्रॉल की जगह यहाँ पर आपको पूरी जानकारी बताई गई है कि इसका काउंसलिंग कब से स्टार्ट हुआ है और साथ ही साथ इसका काउंसलिंग कब तक चलने वाला है। यानी दोस्तों आज से इसका काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है, 16 अगस्त तक इसका काउंसलिंग चलने वाला है। नीचे स्क्रॉल की जगह यहाँ पर आपको पूरी जानकारी बताई गई है। यहाँ पर हम आ जाते हैं इम्पोर्टेंट लिंक में। इम्पोर्टेंट लिंक में अगर आप काउंसलिंग करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट काउंसलिंग वाले वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ से आप अपना ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं। हमें दोस्तों काउंसलिंग करने से पहले आपको देखना है कि आप किस कॉलेज में कितना सीट अवेलेबल है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर सेट मैट्रिक्स फॉर ITI का 2022 इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक PDF मिलेगा जो कि 52 पेज का रहेगा। इस 52 पेज में आपको हर जिले के हर ITI कॉलेज का यहाँ पर आपको हर कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट बताया गया है। जैसे दोस्तों आप जिस कॉलेज में आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस ITI कॉलेज में, उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट बता रहा है। आप अपने अनुसार से देख लीजिएगा कि आपको किस किस ITI कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसका सीट भी देख लीजिएगा। उसके हिसाब से ऊपर नीचे आप यहाँ पर अपना काउंसलिंग फिल कीजिएगा तो आपको बेस्ट रहेगा यहाँ पर काउंसलिंग करने के लिए। चलिए, काउंसलिंग करने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चूज फिलिंग वाले पर क्लिक हियर पर क्लिक करना है। क्लिक हियर पर क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले आपसे ID और पासवर्ड पूछा जा रहा है। तो आपके पास अभी तक ID और पासवर्ड कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना ID और पासवर्ड बनाना होगा। ID और पासवर्ड बनाने के लिए न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आई एग्री पर क्लिक करना होगा। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल की जगह यहाँ पर आपको रोल नंबर, जो ITI में आपको रोल नंबर मिला है वो रोल नंबर, कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ और ये जो कैप्चा फिल हो रहा है ये कैप्चा यहाँ पर फिल करना है और सबमिट पर क्लिक कर लेना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों आपका रोल नंबर शो कर जाएगा। नीचे आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर भी शो कर जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी शो करने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड दोस्तों यहाँ पर आपका अल्फा न्यूमेरिकल पासवर्ड बनेगा कुछ इस प्रकार से, जैसे ABC यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर ABC लिख दीजिएगा, 123 डाल दीजिएगा और एक यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिकल यहाँ पर एक डाल दीजिएगा, @ डाल दीजिएगा। ये दोस्तों अगर आप पासवर्ड बनाते हैं तो इस तरह का पासवर्ड आपका यहाँ पर कन्फर्म ले लेगा। इस तरह का यहाँ पर आपको पासवर्ड फिल
करना है, ये कैप्चा को फिल करना है और सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपसे यस करने के लिए बोला जाएगा, यस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके मोबाइल पर एक ओटीपी गया है और ईमेल पर एक ओटीपी गया है, दोनों ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है। दोनों ओटीपी को फिल करने के बाद नीचे जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर वेरीफाइड एंड सेव डिटेल पर आपको क्लिक कर लेना है। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह का यहाँ पर ऑप्शन आएगा, यहाँ पर अवेलेबल चूज फिलिंग वाले पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका पूरा यहाँ पर शो कर जाएगा आईटीआई का कॉलेज का नाम। अब इसी आईटीआई का कॉलेज का नाम को आपको चूज करना है। यहाँ पर दोस्तों टोटल यहाँ पर 21 कॉलेज यहाँ पर शो कर रहे हैं, इसी कॉलेज को यहाँ पर चूज करना है। तो चूज करने के लिए दोस्तों चूज फिलिंग वाले पर हम क्लिक करेंगे। चूज फिलिंग वाले पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने पूरा आईटीआई का नाम शो कर जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको आईटीआई का कॉलेज का नाम शो कर जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इस आईटीआई के कॉलेज के नाम को यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर दोस्तों ऐड पर क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब ये दोस्तों आपका ऐड हो गया है। अगर आप दोस्तों और भी कॉलेज ऐड करना चाहते हैं तो ऐड पर क्लिक कीजिए। सेम टू सेम इसी तरह से आपको यहाँ पर ऐड करते रहना है जो जो आप कॉलेज को आप अपना यहाँ पर लेना चाहते हैं। ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर कॉलेज का सीट के अनुसार आपको देख लेना है कि हमें कौन सा कॉलेज यहाँ पर चूज करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना कॉलेज चूज कर लेता हूँ। मिनिमम यहाँ पर 10 कॉलेज चूज करता हूँ ताकि मेरा यहाँ पर आपके यहाँ पर सिलेक्शन हो सके। तो मैं यहाँ पर लगभग कॉलेज को चूज कर लेता हूँ। तो लगभग मेरा दोस्तों यहाँ पर कॉलेज चूज हो ही गया है। मैं अपने अनुसार से देख करके कॉलेज को चूज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर दोस्तों अपना कॉलेज का नाम चूज कर लिया है। कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको भी अपना कॉलेज का नाम चूज कर लेना है। अगर दोस्तों आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सेव यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है और आपको दोस्तों यहाँ पर ओके पर क्लिक कर लेना है। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका कॉलेज का नाम यहाँ पर चूज हो चुका है। मैंने यहाँ पर अपना कॉलेज चूज कर लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों कट वाले निशान वाले पर क्लिक कर लेना है। कट वाले निशान पर क्लिक करने के बाद सेव एंड गो टू होम पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आपका चूज फिलिंग हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारा कौन कौन सा कॉलेज चूज हुआ है तो व्यू यहाँ पर फील्ड चूज वाले पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पूरा कॉलेज का लिस्ट शो कर जाएगा जो आप यहाँ पर अपना चूज किए हैं कॉलेज। आपको भी दोस्तों यहाँ पर चूज कर देख लेना है। अगर आप इसे प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो प्रिंट आउट करके भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना लॉक करना है इस कॉलेज को। तो यहाँ पर चूज यहाँ पर लॉकिंग वाले पर क्लिक करना है। चूज लॉकिंग वाले पर क्लिक करने के बाद मेरा यहाँ पर 13 कॉलेज यहाँ पर है जिसमें कि प्राइवेट एक भी नहीं है, गवर्नमेंट यहाँ पर 13 कॉलेज है। तो अब यहाँ पर आई एग्री वाले पर हम क्लिक करेंगे। आई एग्री वाले पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमने जो यहाँ पर पासवर्ड बनाया था अल्फा न्यूमेरिकल वो पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है और नीचे यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका डाटा सेव करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर ओके पर आपको क्लिक करना है और फाइनली आपको दोस्तों यहाँ पर आपका एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दोस्तों आप किस पर लेना चाहते हैं ये आपको चूज करना है, मोबाइल पर या फिर ईमेल पर। तो मैं यहाँ पर मोबाइल को सिलेक्ट करूंगा, सेंड ओटीपी पर मैं क्लिक करूंगा। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबमिट पर आपको क्लिक कर लेना है। फाइनली दोस्तों मेरा यहाँ पर सबमिट हो चुका है। सबमिट होने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका स्टेटस दिखाएगा। यहाँ पर दोस्तों टोटल यहाँ पर 21 कॉलेज यहाँ पर था जिसमें कि मैंने यहाँ पर 13 कॉलेज को चूज किया और स्टेटस मेरा यहाँ पर लॉक्ड दिखला रहा है। इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर अपना चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रिंट लॉक्ड कम यहाँ पर चूज वाले पर क्लिक कीजिएगा और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप अपना प्रिंट जो आपने कॉलेज को चूज किया वहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों प्रिंट वाले बटन पर क्लिक करके आप अपना यहाँ पर प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट को इसे प्रिंट करके आप अपने कस्टमर के दे सकते हैं या फिर आप खुद रख सकते हैं। यही थी छोटी सी अपडेट दोस्तों आपको इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।